हाय गैस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जसवंत सिंह। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ ट्रेनिंग वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्याज फाइनेंस क्या है, आप इससे क्या कर सकते हैं, कब ये शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके सीईओ का क्या नाम है, इसके फाउंडर का क्या नाम है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप ब्याज फाइनेंस ऐप पर अपना नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वॉल्ट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप कैसे अपना केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आज आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ब्याज फाइनेंस पर अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे जाना है, आपको ब्याज फाइनेंस ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड होने लग गया है। और दोस्तों थोड़ी देर बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये ऐप ओपन कर लेना। तो मैं जैसे इस ऐप को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आगे से मेरे से मांग रहा है मोबाइल नंबर। तो आपको अपना यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जिसके साथ आपका कोई बैंक खाता लिंक है, जिस पर आप पहले से यूपे वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी बैंक खाता लिंक नहीं होगा उस नंबर के साथ दोस्तों, फिर आप पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आगे क्लिक करूँगा, सबमिट पर क्लिक करूँगा, तो आगे से मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा OTP। OTP आने के बाद तो यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक फिल होने के बाद जैसे दोस्तों मैंने आगे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हमें पूरी तरह से टूर करवा रहा है ऐप का, लेकिन यहाँ पर मैं स्किप कर दूँगा। स्किप करने के बाद अब मुझे यहाँ पर वॉल्ट एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं भी कह रहा है तो आप वॉल्ट को एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वॉल्ट पर। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है सेटअप वॉल्ट। मैं जैसे सेटअप वॉल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आगे से मेरे से मांग रहा है KYC डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर आपसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगता है, तो आप इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल दे दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट का डिटेल फिल करता हूँ, फिल करने के बाद जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा OTP। OTP अगर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ऑटोमेटिक फिल नहीं हो रहा है तो आप खुद फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जैसे आप आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा KYC सक्सेसफुल हो चुका है, वॉल्ट क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे आप ब्याज फाइनेंस का नया अकाउंट क्रिएट कर ऐसे आप वॉल्ट पर KYC कर सकते हैं, ऐसे आप अकाउंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्याज फाइनेंस ऐप पर UPI क्रिएट कर सकते हैं, UPI क्रिएट करने के बाद आप कैसे ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ।